चलिए फ्रेश एंड फास्ट की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीए देश में लागू कर दिया गया, लेकिन उसके बाद अलग अलग इलाकों में सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। जो खबर मिल रही है, दिल्ली नोएडा में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है, लखनऊ में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सीए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद देश के अलग अलग शहरों में सुरक्षा को बेहद पुख्ता कर दिया गया है। दिल्ली और उसके आसपास के शहर ही नहीं बल्कि राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर यूपी बिहार में भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। देर रात पुलिस ने जामा मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। इसके साथ ही जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त देखने को मिले। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। शाहीन बाग इलाके में भी पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। आपको बता दें कि जामिया और शाहीन बाग में सीए के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन के एपी सेंटर रहे हैं, जिसको देखते हुए बंदोबस्त किए गए हैं। चार तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए और समझिए कि कैसे सीए का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद दिल्ली और एनसीआर में नोएडा से लेकर शाहदरा, जामिया, जामा मस्जिद में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। इन इलाकों में रात के वक्त कई जगहों पर नाकेबंदी भी की गई और आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। शाहीन बाग और जामिया, ये वो इलाके जहां सीए को लेकर हमने लंबा विरोध प्रदर्शन देखा था। अभिषेक हमारे सहयोगी और गौरव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपका रुख करते हुए जरा वहां पर हालात दिखाइए, बताइए कि सुरक्षा के कितने पुख्ता बंदोबस्त है। सीए का नोटिफिकेशन जारी होते ही किस तरीके से पुलिस हरकत में आई है? देखिए, बिल्कुल कल देर शाम सीए का नोटिफिकेशन जारी हो गया था उसके रूल्स को लेकर, और उसके बाद से ही पूरे दिल्ली के अंदर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको कड़ा कर दिया गया था। शाहीन बाग इलाके में हम मौजूद हैं और यहां देखिए आप किस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियां हैं वो आपको नजर आएंगी। बैरिकेड्स लगाए गए हैं, हर एक गतिविधि पे नजर रखी जा रही है। ये वही शाहीन बाग था जो कई महीनों तक जो है वो बंद बना के रखा गया था, बंदी बना के रखा गया था पूरे इलाके को। यहां पर रास्ता, यहां से जहां मैं खड़ा हूं, यहां से पूरे तरीके से 2020 में बंद कर दिया गया था और तमाम लोग इसी सड़क के ऊपर बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आज स्थिति देखिए बिल्कुल अलग है। आज गाड़ियां अपनी रफ्तार के साथ यहां से निकल रही हैं, स्थिति सामान्य है। सुरक्षा के मद्देनजर जो पुलिस की टीम है वो यहां मौके पे मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्स की टीम जो है मुस्तैदी के साथ यहां मौजूद है। एक एक शख्स जो यहां से गुजर रहा है, जो गाड़ियां गुजर रही हैं उन पे नजर रखी जा रही है। अभी किसी तरीके से यहां की कानून व्यवस्था जो है वो खराब नहीं है, पूरे यानी किसी तरह की कोई चूक ना हो इसका ख्याल रखा गया है। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी निकाला है। अभिषेक बने रहिए हमारे साथ। गौरव आपके पास आऊं, उससे पहले एक और बड़ी खबर दर्शकों को पहले बता दे, जामिया के बाहर भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं। जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यूनिवर्सिटी के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। आपको बता दें पुलिस के अलावा यूनिवर्सिटी के मेन गेट के बाहर अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। एक रिपोर्ट वहां से दिखाते हैं, देखिए जरा। सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी, यानी कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद देश भर में सीएए लागू हो चुका है। इस वक्त मैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हूं, जहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए इस कानून के लागू होने के बाद कहीं किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत ना आए उसको लेकर के देखिए यहां पर दिल्ली पुलिस फोर्स की जो है उनकी तैनाती। यहां पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जो तमाम जो पुलिस बल है वो यहां मौजूद है, क्योंकि शाहीन बाग इलाका, जामिया जो इलाका है, जब सीए कानून जब 2019 में उसे पटल पे रखा गया था संसद के, तो उस दौरान जो है काफी ज्यादा यहां पे लोगों ने उसके विरोध में प्रदर्शन किए थे। इसको लेकर के उस दौरान यहां पर बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस फोर्सेस की तैनाती रहती थी। इसी के लिहाज से कानून व्यवस्था में कहीं कोई चूक ना हो, लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन न करें, इसको लेकर के इस बार फिर से दिल्ली पुलिस जो है वो एक्टिव दिखाई पड़ रही है। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने यहां पर अपने पुलिस बल की तैनाती की हुई है, ताकि लोग यहां पे इकट्ठा ना हो सके। और एक तस्वीर हम आपको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर की दिखा रहे हैं। वही दूसरी तरफ मैं आपको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा कि देखिए जब 2019 में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लाया गया था, तो उस दौरान यहां से भी लोगों ने जम करके नारे लगाए थे उसके खिलाफ में। लोगों ने यहां जामिया के बाहर भी सड़क पर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद यहां पे भी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस की तैनाती थी। और एक बार जब सीएए को लेकर के नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि फिर से दिल्ली पुलिस ने सावधानी बरतते हुए यहां पर बड़ी संख्या में जो है यहां पे
फोर्सेस की तैनाती की है, क्योंकि वही जामिया के अंदर से भी कुछ तस्वीरें निकल करके आई है जहां पर लोग जो है वो नारे लगा रहे हैं सीए के खिलाफ में, इस कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बाहर में किसी भी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई छात्र ना है, ना ही यहाँ पे किसी तरह की भीड़ दिखाई पड़ रही है। बस सुरक्षा कारणों से यहाँ पे दिल्ली पुलिस के पुलिस बल यहाँ पे तैनात जरूर दिख रहे हैं। तो शाहीन बाग और जामिया में किस तरीके से बाहर जामिया यूनिवर्सिटी के सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए वो हमने आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाया, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे। लेकिन अब बात करते हैं दिल्ली के मजदूर की पीड़ा की, वहां जश्न का माहौल देखने को मिला, योगी मोदी के नारे जो है वो लगाए गए हैं। खबर मिल रही है शरणार्थियों ने यहाँ पर जश्न मनाया है दिल्ली के मजनू के टीला इलाके से, जो जश्न की तस्वीर सामने आई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। मजनू का टीला में सालों से रह रहे शरणार्थियों ने गले में भगवा पहनकर किस तरीके से नारे लगाए हैं, जरा वो सुनिए। भारत माता की, भारत माता की, और अपने सहयोगी गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, कुछ इलाकों में हम देख रहे हैं जश्न का माहौल है, कई अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां शरणार्थियों में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं कई इलाके ऐसे भी हैं जहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप जहां पर मौजूद हैं क्या हालात, जरा दिखाएं और बताएं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में हूँ, और जाफराबाद से ये जो पूरा स्ट्रेच शुरू होता है यहाँ मेट्रो के नीचे से लेकर, और इसके बाद ये जो इलाका सीमापुरी तक जाता है, सबसे ज़्यादा 2020 में सीएनआरसी के खिलाफ जो दंगे उस वक्त भड़के थे सबसे ज़्यादा चपेट में थे, और तकरीबन 53 लोगों की मौत जो है राजधानी दिल्ली में उस वक्त इस इलाके में हुई थी। 23 फरवरी 2020 की वो दोपहर थी जब इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद थे, और अचानक से भीड़ ने यहाँ पर रास्ता रोका, पत्थरबाजी शुरू हुई, और उसके बाद 26 फरवरी तक लगातार यहाँ पर सीएएनआरसी के विरोध में लगातार दंगे चलते रहे, और उसमें तमाम लोगों ने, मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन मैं आपको बता दूँ उस वक्त जो हालात थे बिल्कुल जुदा थे, यहाँ पर लगातार पत्थरबाजी, हजारों की संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस के जवान, लोग सड़कों पर थे, प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन इस वक्त परिस्थितियां बिल्कुल सामान्य है। सिर्फ एहतियातन जो है कल सीए के अधिसूचना के बाद जो है दिल्ली पुलिस ने जाहिर तौर पर यहां पर फ्लैग मार्च और लगातार गश्त की थी, लेकिन अभी स्थितियां सामान्य, और ये बाजार का इलाका है, यहाँ पर बड़ी संख्या में जैकेट मार्केट जो है वो मौजूद है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग की बहुत सारी यूनिट है, लोग यहाँ पर निकल रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे यहाँ पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, लोग अपने ऑफिसेज और काम पर जा रहे हैं, तो बिल्कुल जी गौरव, यानी एहतियात के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है, लेकिन 2020 से तस्वीर जुदा दिख रही है। चाहे हम बात शाहीन बाग की करें या आप जाफराबाद में मौजूद है, वहां की तस्वीर भी जुदा है। दोनों रिपोर्टर हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर असम से जो मिल रही है सीए से जुड़ी हुई, वो बता दे यहां पर विरोध जो है वो देखने को मिला है। असम के कई शहरों में सीए के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है, केंद्र के फैसले के खिलाफ सड़कों पर जनता उतर आई है, पोस्टर बैनर जलाते हुए लोग यहां पर नजर आए हैं। असम में पिछली बार भी देखा गया था 2020 के वक्त कैसे लोग सड़कों पर उतर आए थे। सीए का सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिला था, असम उसमें से एक है जहां सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट सीए के खिलाफ हुआ था। असम के लोगों का कहना है कि कई ऐसे बांग्लादेशी शरणार्थी हैं जो भारी संख्या में उनके राज्यों में घुस चुके हैं, और अगर उन्हें नागरिकता मिलती है तो उनके संसाधनों पर इसका असर पड़ेगा, इसलिए एक बार फिर से असम में विरोध देखने को मिला है। असम की तस्वीर हमने आपको दिखाई, वहीं देखिए सीए लागू होने के साथ ही, नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही सियासत भी शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आपने कहा है सीए को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया, सवाल खड़े किए हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने, आपने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है, सीए मंजूर नहीं है ये कहना है आपका। तमाम विपक्षी पार्टियां जो है सीए को लेकर आपत्ति दर्ज करवा रही हैं, यहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आपने भी कहा है कि उन्हें सीए मंजूर नहीं है। हम सीए के कानून का पुरजोर विरोध करते हैं, क्यों? क्योंकि आज इस देश का युवा बेरोजगार है, आज इस देश में रहने वाले गरीब के पास घर नहीं है, आज महंगाई का दर बढ़ रहा है। तो मोदी जी
और देशों के अल्पसंख्यकों को भारत लाकर और उनको नागरिकता देने के बजाय हमारे देश की युवाओं को नौकरी देना, हमारे देश के आम परिवारों को महंगाई से निजात दिलाए, हमारे देश के गरीब परिवारों को घर दिलाए, अपने ऊपर छत दिलवाए। बिल तो पास हो गया था 19 तारीख को ही, मतलब 2019 को ही, लेकिन कोरोना आ गया, कोरोना के बाद फिर बहुत सारे झमेले की वजह से ये चीज हो नहीं पाया, तो इसका नोटिफिकेशन अब जाके पास हुआ। तो अभी जो बोला जा रहा है, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये इलेक्शन का फ़ायदा लेने के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो इलेक्शन का फ़ायदा ये तो बहुत पहले ही बिल पास हो गई थी, लेकिन किसी कारण से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। तो ऐसा कोई बात नहीं है, अगर अपोजिशन इस चीज़ को अलग तरीके से लोगों को दिखाने की कोशिश करिए, बताने की कोशिश करिए और उनको मिस अंडरस्टैंडिंग करवा रही है इस चीज़ को, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारे दो सहयोगी अभिषेक और गौरव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, लगातार विपक्षी पार्टियां जो हैं सीए के नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही सियासी दाव चल रही है, कह रही है हमें सीए मंजूर नहीं है। ओवैसी ने भी कहा है सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे, तो क्या फिर एक बार शाहीन बाग में उस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है? पुलिस किस तरीके से अलर्ट, कैसे इलाके में फ्लैग मार्च किया गया, तमाम तस्वीरें दिखाइए और बताइए। देखिए, बिल्कुल पिछली बार से सीख लेते हुए इस बार पुलिस प्रशासन पहले से ही मुस्तैद थी। इस बात की आशंका सबको थी कि सीए इलेक्शन के अधिसूचना से पहले ही जो है उसकी नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। ऐसे में थानों के स्तर पे अगर आप देखेंगे तो थानों के स्तर पे 30 से अधिक जो अमन कमेटी की मीटिंग्स है उसको कंडक्ट कराया गया है। एक एक थानों में लोगों को बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई, उनको समझाया गया, बताया गया कि भाई ये नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, बल्कि जो लोग प्रताड़ित हैं हमारे भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, उनको नागरिकता देने का ये कानून है। तो एक तरीके से तो ये अच्छी बात है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये लगता है कि लोग भी अब इस बात को समझ रहे हैं, जो हालात पहले थे वो हालात अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे, लोग जागरूक हो गए हैं। आप लोग को क्या लगता है, इस बार कोई प्रोटेस्ट वगैरह तो नहीं हो रहा ना शाहीन बाग? इस बार शांति के साथ, अभी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी? लोगों को अब इस बात को समझ में आ रहा है कि भाई ये किसी का नागरिकता लेने वाला नहीं, देने वाला बिल है, जी जी। है ना, अब समझ में आ रहा है लोगों को? देखिए, यही फर्क है उस वक्त से अभी का, क्योंकि अब लोगों को ये बात समझ में आ रहा है। यही कारण है कि अब लोग सड़क पे नहीं उतर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, लोग सड़क पे आके प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। लोगों को पता है कि ये नागरिकता देने का बिल है, किसी की नागरिकता छीनने का बिल नहीं है। और यही कारण है कि लोग शाहीन बाग हो या कोई और इलाका हो दिल्ली के अंदर, वहां प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। पहले 2020 के अंदर जब ये पूरा का पूरा सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लाया गया था, उस वक्त एक पुरजोर प्रदर्शन इसी रास्ते पे देखने को मिला था, पूरा का पूरा रास्ता ब्लॉक था। लेकिन अभी देखेंगे तो बिल्कुल शांति है, लोग आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना लेकिन काम कर रहे हैं। आज स्थिति अलग है और पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड पर है, और यही वजह है कि शाहीन बाग जो कल तक एपिसेंटर हुआ करता था, आज वहां दूसरी तस्वीर देखने को मिल रही है। अभिषेक, हमारे साथ बने रहिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। सीमा हैदर ने परिवार संग जश्न मनाया है। सीए के नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही अपने परिवार के संग सीमा हैदर ने जश्न मनाया है। ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर रह रही है। सीए लागू होने की खुशी में मिठाइयां भी बांटी गई है। अपने वकील और सचिन के साथ मिलकर सीमा ने खूब जश्न मनाया। भारत माता की जय के नारे लगाए गए हैं। सीमा हैदर ने भारत माता की जय के नारे लगाए और मोदी योगी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। योगी मोदी जी की, योगी जी की, मोदी जी की, योगी जी की, मोदी जी की। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, योगी जैसा हो। नागरिकता कानून लागू किया है जिसकी हमें बहुत 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 ज्यादा खुशी है। बहुत बहुत भारत सरकार को बधाई। और वास्तव में मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है, और इसके लिए मैं मोदी जी और भारत सरकार का पूरे जीवन रेडी रहूंगी और बहुत धन्यवाद करती रहूंगी। और आज ऐसे ही अच्छे अवसर पर मैंने अपने भाई वकील भाई डॉक्टर एपी सिंह को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, योगी जैसा हो। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, मोदी जैसा हो। योगी मोदी जी की जय, योगी मोदी जी की, योगी जी की, मोदी जी की, योगी जी की, मोदी जी की। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, योगी जैसा हो।
अलग अलग जगहों से देखिए ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है। सीए लागू होने के साथ ही राजस्थान में भी जश्न का माहौल देखने को मिला है। राजस्थान से जो तस्वीरें सामने आई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। जयपुर में लोगों ने जश्न मनाया है, पाकिस्तानी शरणार्थियों ने जश्न मनाया है। आपको बता दें कि जोधपुर के बॉर्डर वाले इलाके में रहने वाले पाकिस्तानी शरणार्थी देश में सीए आने से काफी खुश नजर आ रहे हैं। पिछले कई सालों से भारत में बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं इन लोगों को अब उम्मीद है कि उन्हें यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। ये बॉर्डर इलाके हैं जहाँ शरणार्थी कई सालों से रह रहे हैं लेकिन उन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली थी, तो उनमें भी खुशी की लहर देखने को मिली है सीए लागू होने पर। राजस्थान के बाद अहमदाबाद की तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पर भी सीए लागू होने के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला है। मोदी मोदी के नारे जो है वो लगाए गए हैं। जश्न की तस्वीर अहमदाबाद से जो सामने आई है वो भी हम आपको इस वक्त की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। कई इलाकों में जश्न का माहौल देखने को मिला। वहीं विपक्षी पार्टियां जो हैं वो सियासत करती नजर आ रही हैं। साफ तौर पर कह रही हैं सीए उन्हें मंजूर नहीं। कई ऐसे इलाके हैं जहां सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वहां भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। लेकिन देखिए देश के अलग अलग शहरों से जो तस्वीर सामने आ रही है, जश्न का माहौल बनाया गया है, जश्न मनाया गया है। ये अहमदाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ लोग जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तमाम हिंदू रिफ्यूजी जो लोग हैं लंबे वक्त से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके मन में आखिर किस तरह की खुशी है अब आखिरकार सीए लागू कर दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत माँ की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में आपका नाम जानना चाहूंगी, आप कहाँ की रहने वाली हैं, कितने सालों से यहाँ पर हैं और कितनी बड़ी खुशी आपके लिए? 30 सालों का रहते हैं जो मना में। कहाँ से आई थी? मीरपुर खास्ती पाकिस्तान। पाकिस्तान से आई थी। अब कैसा लग रहा है कि आखिरकार नागरिकता मिलने के लिए जो आप लोग एक इंतजार था? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है मैं। बहुत खुशी है। हम 1996 में आए थे, 27 साल हो गए शायद, अभी तक हमको नागरिकता नहीं मिली। मतलब कोई ना कोई डॉक्यूमेंट की वजह से इशू रहता था हमारा काम और काफी फाइल वापस आती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमारा काम परफेक्ट हो जाएगा। 100% विश्वास के साथ बोलते हैं कि काम परफेक्ट हो जाएगा हमारा। अभी पहले हम लोगों को बहुत सारी मुश्किलें थी और हम लोगों को यहाँ पे बच्चों के एडमिशन नहीं मिल रही थी, बच्चों को ना ही कहीं लेके कहीं जाते थे तो आधार कार्ड की जरूरत पड़ती थी और घर भी नहीं ले सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। अभी बच्चों को एडमिशन भी मिल जाएगी और घर भी मिल जाएंगे और मेरे हस्बैंड हैं वो यहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं, LLM किया हुआ है उसका, लेकिन वो वकालत भी नहीं कर पाते थे और अभी उसको वकालत भी मिल जाएगी सब कुछ। और हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, आम चुनाव से पहले सीए लागू करना कहीं सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा तो नहीं देगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियां चुप रहने वाली नहीं है। कई इलाकों से जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है लेकिन कई इलाके हैं जहां सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो ऐसे में क्या लगता है सरकार की मुश्किलें क्या बढ़ सकती है? देखिए, चूंकि लोकसभा चुनाव अब चंद दिनों में घोषित हो जाएंगे तो जाहिर तौर पर इस बात की टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर सरकार पर खड़े होंगे कि आखिर ठीक चुनाव के पहले ही सीए लागू क्यों किया गया और इसका मंतव्य क्या। और यही वजह है कि तमाम विपक्षी दल इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि 2019 में ही ये संशोधन कर लिया गया था और इसे आते आते 2024 का वक्त क्यों लिया गया। लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं और उसी तरह के व्यापक सुरक्षा प्रबंध भी जो हैं वो देश भर में किए जा रहे हैं और खास करके राजधानी दिल्ली में जिस तरह का मंजर 2020 के वक्त हुआ था और उस वजह ये थी
कि सीए के बाद एनआरसी लाने की चर्चा छिड़ गई थी और सीए से ज्यादा किसी को दिक्कत नहीं थी, दिक्कतें जो थी एनआरसी को लेकर थी और यही वजह थी कि एनआरसी के बाद एनपीआर, लोगों के मन में जो एक वहम पैदा किया गया तमाम एनजीओज के द्वारा, तमाम संगठनों के द्वारा एक सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश हुई और तमाम दागदार लोग जिन्होंने पूरी तैयारी की कि कैसे इस पूरे मौके का फायदा जो है वो सांप्रदायिकरण के लिए लेना है, उस वक्त 2020 में तस्वीरें दिखी थी। लेकिन इस बार लोगों को इस बात में क्लैरिटी है बिल्कुल कि सीए बाहर से आए शरणार्थियों के लिए नागरिकता देने का कानून है, वो भी वो शरणार्थी जो 2014 से पहले भारत में आकर रह रहे हैं, और ऐसे में इसका किसी भी तरीके से भारत में रह रहे नागरिकों और भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। और ये बात धीमे धीमे लोग समझ रहे हैं और यही वजह है कि आपको फिलहाल पूरी तरह से एक शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति जो है सभी उन संवेदनशील इलाकों में नजर आएगी, अलग तस्वीर नजर आ रही है। बिल्कुल गौरव, वह कह सकते हैं कि आम चुनाव से पहले सीए लागू करना सरकार की मुश्किलें बढ़ाएगा या सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को पहले वो बता दे, बीजेपी हेडक्वार्टर में भी जश्न की तस्वीर देखने को मिली है। सीए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर में भी जश्न मनाया गया है। बीजेपी हेडक्वार्टर से तस्वीरें जो सामने आई है वो हम आपको दिखाएंगे। सीईसी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री का सीए लागू होने पर अभिनंदन किया। पीएम मोदी बीती रात काफी देर तक बीजेपी मुख्यालय में मौजूद रहे, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी जो है वो मौजूद थे। सीईसी की बैठक में दूसरी लिस्ट पर दरअसल चर्चा हो रही थी और सीए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभिनंदन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जेपी नड्डा ने उनका अभिनंदन किया। जश्न की तस्वीर बीजेपी हेडक्वार्टर में भी देखने को मिली। और रुक करते हैं अपने सहयोगी अभिषेक का। अभिषेक, जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, कह सकते हैं सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक हो, आम चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर तैयारियों में जुट जाएंगी, विपक्षी नेता इस सीए को कितना इनकैश करा पाएंगे ये भी देखना होगा हमें। देखिए बिल्कुल, विपक्ष की लगातार कोशिश है कि इसको एक माहौल बनाए, इसका एक जो है एजेंडा क्रिएट करें, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोग समझ गए हैं इस बात को कि सीए आखिर है क्या। सीए को लेकर पहले जो पूरा का पूरा विवाद था, सीए को लेकर पहले जो एक कह सकते हैं एक मिक्स कंसेप्शन लोगों के अंदर था, वो अब क्लियर हो गया है। यही कारण है कि अब आपको उतने प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं, यही कारण है कि लोग अब बाहर नहीं निकल रहे हैं। एहतियाती तौर पे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको पूरे दिल्ली के अंदर दुरुस्त किया गया है। आप देखिए कि दिल्ली के हर एक थानों के अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी अमन कमेटी की मीटिंग चल रही है, लोगों से बातचीत की जा रही है, लेकिन जब बातचीत लोगों से की जा रही है तो एक ही बात निकल के सामने आ रहा है कि अब लोग समझदार हो चुके हैं, लोगों को यह बात क्लियर हो चुका है कि सीए किसी की नागरिकता लेने का बिल जो है वो नहीं है, कानून नहीं है। सीए वो है जो गरीब है, जो कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क में जो प्रताड़ित हिंदू हैं, जो अलग समुदाय के लोग हैं, जो वहां पे अल्पसंख्यक हैं, उनको नागरिकता देने का बिल है, यानी कि उनको प्रताड़ना से बचाने का बिल है। यहाँ पे भारत के अंदर इससे किसी को भी जो है वो नुकसान पहुंचने वाला नहीं है, यहाँ किसी की नागरिकता नहीं जा रही है। पहले ये कंफ्यूजन लोगों को सीए के साथ एनआरसी और एनपीआर को जोड़ के था, लेकिन अब लोग काफी ज्यादा जागरूक हो गए हैं, लोगों को सारी बातें समझ में आने लगी हैं, और यही कारण है कि लोग अपने रोज के दिनचर्या की तरह आज सुबह उठ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, रमजान शुरू हो रहा है, ऐसे में माह महीने में लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं, किसी को इस बात से अब फर्क नहीं पड़ता। जो बरगलाने की एक कोशिश विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है उसका उतना विशेष इम्पैक्ट जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ आप देखेंगे तो वीडियोस और बाइट्स में ही जो वो बात कर रहे हैं वो जमीनी हर चीज पे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि लोग उससे उत्तेजित हैं या लोग आक्रोशित हैं या गुस्से में हैं। बड़ी शांति के साथ लोग अपना काम कर रहे हैं। अभी किसी भी तरीके से राजधानी दिल्ली के अंदर कोई भी हालात जो है वो उस तरीके से प्रदर्शन के नहीं। टाइमिंग काफी कमाल की है और ये वक्त ही बताएगा कि ये टाइमिंग कैसी रही सरकार की, क्योंकि ऐसे वक्त में आम चुनाव में तमाम पार्टियां इस वक्त बिजी हैं, उनकी तैयारियां चल रही हैं। अब इस मुद्दे को विपक्षी पार्टियां कितना इनकैश करवा पाती हैं या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। अभिषेक, गौरव, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए।